सब गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गिटार लवर्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कॉर्ड्स के बारे में और जो बेसिक गिटार कॉर्ड्स होते हैं। अगर आपने अब तक मेरा बिगनर सीरीज चेक नहीं किया है तो जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। और मैंने ट्राई किया है जितना आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से, मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पर। तो बिगनर सीरीज़ में बेसिकली वो आधा रह गया था स्ट्रिंग्स, मैंने लास्ट लेसन में स्ट्रिंग्स बताए थे, अगर आपने चेक नहीं किया तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉर्ड्स, बेसिकली गिटार के कितने कॉर्ड्स होते हैं। कॉर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, पर बेसिकली जो बेसिक कॉर्ड्स होते हैं वो कैसे प्ले होते हैं हम उसके बारे में सीखेंगे। और हम कैसे प्ले कर सकते हैं कॉर्ड्स ईजी वे में, वो आपको मैं इस वीडियो में पूरा इजी वे में आपको समझा दूंगा, ताकि आप अच्छे से प्ले कर पाओ गिटार में। सो जो बेसिक कॉर्ड्स होते हैं गिटार के कॉर्ड्स, उसको एक रिदम देते हैं। जो गाने में बेसिक कॉर्ड्स यूज़ होते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि जो बॉलीवुड के गाने होते हैं, ज़्यादातर हिंदी के गाने होते हैं, तो बेसिक उनमें चार या पाँच कॉर्ड बेसिकली यूज़ होता है। उन बेसिक कॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से जो गाना है वो प्ले कर पाएँ और कॉर्ड्स को सीख पाएँ। ओके, सो नॉर्मली आपको कॉर्ड्स जैसे कि यूट्यूब में बहुत सारे लेसन्स मिल जाएंगे, पर हम यहाँ पे एक अच्छा एक इजी वे में सीखेंगे। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा था कि ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली हम जो कॉर्ड्स है वो सीखेंगे। तो मैं आपको फिंगर प्लेसमेंट्स भी दिखा दूंगा जो कि मैंने खुद सीखा था मेरे सर से। सो तो आपको आसानी होगा कॉर्ड सीखने में। सो जो फर्स्ट जो बेसिक कॉर्ड होता है वो है ए। तो हम ऐसे सीखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी फिर ए। ओके, ऐसे सीखेंगे, उनमें से भी मेजर माइनर रहता है, मैं आपको बता दूंगा। ओके, जो फर्स्ट फिंगर रहता है वो यहाँ पे ये ए कॉर्ड है, और जो फर्स्ट फिंगर रहता है वो फर्स्ट फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे रखेंगे, फिर सेकंड जो फिंगर है वो सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे रखेंगे। ओके, तो सॉरी फोर्थ स्ट्रिंग पे रखेंगे, और जो थर्ड फिंगर, ये वाला जो फिंगर रहता है वो हम सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे रखेंगे। ओके, ये है ये कॉर्ड। ओके, ये है ए कॉर्ड, और फिर जो आता है हमारा बी। फिंगर यहाँ पे रहेगा, ओके, फर्स्ट फिंगर यहाँ पे रहेगा सेकंड फ्रेट के जो फर्स्ट स्ट्रिंग है यहाँ पे हम रखेंगे, और जो सेकंड फिंगर है ये फ्रेट को हम छोड़ देंगे। ओके, ये फ्रेट को आएंगे, फिर ये जो सेकंड फिंगर है ये जो फोर्थ स्ट्रिंग है और फोर्थ फ्रेट का वहाँ पे रहेगा, फिर जो ये वाला जो फिंगर है रिंग फिंगर है वो थर्ड स्ट्रिंग पे, और ये जो पिंकी फिंगर है वो सेकंड स्ट्रिंग पे। ओके, ये ऐसे, ये बार में भी आप प्ले कर सकते हैं। ओके, ये बार में अगर प्ले करेंगे तो ऐसे होगा, बार ये वाला फिंगर से आप बार दे सकते हैं, नहीं तो आप ओपन भी प्ले कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो बार में। ओके, तो ये हो गया बी। अब आते हैं सी। सी देखिए, फर्स्ट कॉर्ड फर्स्ट जो फिंगर है वो यहाँ पे रहेगा फर्स्ट फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर ये सेकंड फिंगर जो है
वो फोर्थ स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग यहाँ पे रहेगा, फोर्थ स्ट्रिंग पे। ओके, थर्ड फिंगर जो है वो फिफ्थ स्ट्रिंग का जो थर्ड फ्रेट है, थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे रहेगा यहाँ पे। ओके, ये है सी। ओके, देखिए ये यहाँ पे फोर्थ स्ट्रिंग पे और ये फिफ्थ स्ट्रिंग पे। ओके, तो ये हो गया सी। फिर बेसिकली डी मैं आपको दो सिखाऊंगा। ओके, डी हम दो सीखेंगे। फर्स्ट जो है वो डी माइनर है। ओके, फर्स्ट माइनर फिर मेजर हम सीखेंगे। माइनर जो है वो यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर जो है वो फर्स्ट फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे रखेंगे यहाँ पे। फिर जो सेकंड जो फिंगर है वो यहाँ पे रखेंगे, जो हमारा सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे रखेंगे यहाँ पे। और थर्ड जो ये जो फिंगर है, रिंग फिंगर है, वो यहाँ पे रखेंगे। ओके, जो थर्ड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे। ये हो गया हमारा डी। ओके, ये हो गया हमारा डी। देखिए इससे ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ओके, ये हो गया हमारा डी। ये है डी माइनर, ये है डी माइनर। ओके, और जो डी मेजर है वो यहाँ पे ऐसे होगा। ओके, तो जो फर्स्ट फिंगर है वो रखेंगे सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे। फिर जो सेकंड फिंगर है वो रखेंगे सेकंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, और जो थर्ड फिंगर है वो रखेंगे थर्ड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे यहाँ पे। ओके, ये हो गया हमारा डी मेजर। ओके, ये मेजर, ये है डी माइनर, ये है डी मेजर। ओके, फिर हम जाएंगे ई। ई जो है वो देखिए ये वाला ई बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट जो सेकंड फिंगर है वो रखेंगे यहाँ पे, जो सेकंड फ्रेट का जो फिफ्थ स्ट्रिंग है वो यहाँ पे रखेंगे, और जो रिंग फिंगर है वो उसके नीचे रखेंगे, जो कि सेकंड फ्रेट का जो फोर्थ स्ट्रिंग है। ओके, ये दो सिर्फ। ओके, ये है ई माइनर। ओके, और मेजर करने के लिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट फिंगर है वो जो ये फर्स्ट फ्रेट का जो थर्ड स्ट्रिंग है यहाँ पे, ये जो ये है इसमें हम रख देंगे। ये हो गया, ये हो गया ई जो मेजर। ओके, ई ई मेजर। ओके, एफ जो है उसके बाद नेक्स्ट है एफ। एफ जो है मैं आपको बार में भी दिखा दूंगा और ओपन में भी दिखा दूंगा। देखिए बार में ये वाला पूरा ऐसे बार होता है। ओके, ये ई फिंगर से ये वाला पूरा ऐसे बार होता है,
और मैं आपको ओपन में बेसिकली दिखा दूंगा, जो बिगिनर्स होते हैं वो बाहर प्ले नहीं कर सकते हैं, तो आप ओपन में भी प्ले कर सकते हैं। ओके, तो जो फिंगर है एफ का, मैं आपको दिखाता हूँ। रिंग फिंगर से स्टार्ट कीजिए। रिंग फिंगर जो है यहाँ पे, जो फिफ्थ स्ट्रिंग है, थर्ड फ्रेट का फिफ्थ स्ट्रिंग, वहाँ पे रखिए, और फिर पिंकी फिंगर जो है वो उसके नीचे रखिए, जो फोर्थ स्ट्रिंग है। ओके, ये दो हो गया। यहाँ से शुरू कीजिए आपका प्लेसमेंट्स, ताकि आप जो एफ कॉर्ड है, ऐसे एफ कॉर्ड है, आप आसानी से प्ले कर पाएँ। ओके, तो मैं आपको ओपन दिखा रहा हूँ। जब भी आपको कन्फ्यूजन होता है, आप ये दो फिंगर के ऊपर स्ट्रेस दीजिए, आपका कॉर्ड्स जो है वो अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका जो रिंग फिंगर है वो फिफ्थ स्ट्रिंग पे है, जो थर्ड फ्रेट पे, और जो पिंकी फिंगर है उसके नीचे है, मतलब थर्ड फ्रेट के जो फोर्थ स्ट्रिंग में। फिर जो सेकंड फिंगर है वो आप यहाँ पे रखिए, जो थर्ड स्ट्रिंग है सेकंड फ्रेट का, और फिर ये जो आपका जो फिंगर है फर्स्ट फिंगर को, ये दोनों में प्रेस कीजिए। ओके, ये कुछ ऐसे सुनाई देता है। ये आपका, यह आपका हो गया एफ। ओके, तो ये आप ऐसे प्ले कर सकते हैं, ये एफ ओपन है और ये बाहर है। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट रखेंगे रिंग फिंगर यहाँ पे, फिर जो पिंकी फिंगर है उसके नीचे, और फिर आपका जो सेकंड फ्रेट का थर्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे आपका सेकंड फिंगर यहाँ पे रखेंगे, और इसमें इसको यहाँ से प्रेस करेंगे। ओके, ये हो गया आपका एफ। ओके, ये ऐसे प्ले होता है, हो गया आपका एफ यहाँ पे हो गया। फिर हम देखेंगे जी। जो जी है वो इजी है। पहला फिंगर हम रखेंगे यहाँ पे, जो देखिए जी ऐसे आप प्ले कर सकते हैं ऐसे, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, जो कि मेरे सर हर वक्त कहते रहते थे कि ऐसे प्ले करो ऐसे प्ले करो, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, पर आपको लॉन्ग रन में हेल्प हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ऐसे प्ले करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड फिंगर आप यहाँ पे फोर्थ स्ट्रिंग पर, जो फिफ्थ स्ट्रिंग है आपका, वहाँ पे रख सकते हैं। फिर आपका जो रिंग फिंगर है वो सिक्स स्ट्रिंग के जो थर्ड फ्रेट पे रख सकते हैं, और ये जो पिंकी फिंगर है वो थर्ड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये है जी, आप ऐसे प्ले कर सकते हैं, लॉन्ग रन में आपको हेल्प हो सकता है। पर नॉर्मली जो प्ले करते हैं, जो फर्स्ट फिंगर वो ऐसे प्ले करते हैं। हुआ, ओके, ये जी जैसे कि है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट फिंगर है वो यहाँ पे रखेंगे, सेकंड फ्रेट का जो फिफ्थ स्ट्रिंग है यहाँ पे, और सेकंड फिंगर को आप सिक्स सेम पोजीशन पे रखेंगे, जो थर्ड फ्रेट का सिक्स स्ट्रिंग है, और जो ये रिंग फिंगर है आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो पिंकी फिंगर, जहाँ पे पिंकी फिंगर आपने रखा था, ये थर्ड फ्रेट का जो फर्स्ट स्ट्रिंग है। ओके, ऐसे आप प्ले कर सकते हैं जी, ये है जी। ओके, यह है जी। फिर आपका जो
ये है, ये कुछ नहीं है, आप सेकंड फिंगर जो है वो जो आपका फोर्थ स्ट्रिंग है वहाँ पे रहेगा, और फिर उसके नीचे वाला स्ट्रिंग में आपका जो रिंग फिंगर, और फिर उसके नीचे वाला स्ट्रिंग में आपका जो पिंकी फिंगर, जो ये वाला फिंगर है लिटिल फिंगर, वो यहाँ पे ऐसे। ओके, ये आपका हो गया ए। ए ये है ए मेजर, ये है ए मेजर, और मैंने पहले आपको जो सिखाया था ये वाला, ये है ए माइनर। तो अभी प्लेसमेंट, कुछ इजी प्लेसमेंट्स के बारे में हम देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा पूरा कॉर्ड्स। आप प्ले फिंगर प्लेस करके, वीडियो पॉज करके फिंगर प्लेस करके आप अपने गिटार में देख सकते हैं और प्ले कर सकते हैं इसे। तो हम अभी देखेंगे कि इसे इजी वे में कैसे प्ले करना है। ओके, तो पहले देखो, जैसे कि मैंने ई ए बताया था। ओके, ए जो ए माइनर है, ओके, ए माइनर ऐसे ऐसे होता है। ओके, ए को अगर आप एक एक स्ट्रिंग ऊपर ले जाते हैं, पूरा एग्जैक्टली ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाता है ई। ओके, ए को अगर आप ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाता है ई। ओके, फिर हम ए को आ जाते हैं, देखिए ए को अगर आप ये वाला जो रिंग फिंगर है आपको यहाँ ले जाते हैं, जो थर्ड फ्रेट का फिफ्थ स्ट्रिंग पे, ये हो जाता है सी। फिर हम इसे नीचे ले आते हैं, जो मिडिल फिंगर है वो सेकंड पे ले आते हैं, और फर्स्ट स्ट्रिंग और इसमें हम बार कर देते हैं, और इसको जो रिंग फिंगर है वो जो जो फोर्थ स्ट्रिंग है थर्ड फ्रेट का वहाँ पे ले आते हैं, तो ये हो जाता है हमारा एफ। ओके, ये हो जाता है हमारा एफ। ओके, तो जैसे कि ई ए एफ। ओके, फिर ये होता है हमारा जी। ओके, बेसिकली जो कॉर्ड्स प्रोग्रेशन रहते हैं, और ये जो ए है, ये ए मेजर है, ए मेजर है। अगर हम इसको थोड़ा सा दो फ्रेट आगे ले आते हैं यहाँ पे, ओके, ये फोर्थ फ्रेट है, फोर्थ फ्रेट पे ले आते हैं, और इसको हम जो फर्स्ट फिंगर है यहाँ पे रखते हैं, कि यहाँ पे हम बार करते हैं, ये हो जाता है बी। ओके, तो देखिए ये जैसे कि हुआ, इसको हम आगे ले आए, इसको बार कर दिए, ये हो गया हमारा बी। ओके, तो और एक है जैसे कि डी, डी ये वाला है डी, और फिर ये वाला है डी। ओके, ए जो होता है वो ऐसे होता है, जैसे कि ए, फिर ये जो दो फिंगर है इसको हम यहाँ ले आते हैं। ओके, इसको हम यहाँ रखते हैं। ओके, ये था ए, ये था ए। ओके, इसको हम यहाँ ले आए। ओके, इसको हम नीचे ले आए, तो ये हो गया डी। ओके, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कॉर्ड्स के चेंजेस होते हैं ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ए हो गया, फिर
ये वाला फिंगर आप ले आए, सी हो गया ये, ओके फिर आ गया ए, फिर आ गया, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये हो गया ई, ओके फिर हम नीचे ले आते हैं, फिर हो गया ए, फिर इसको हम ये जो ये तो यहाँ रहेगा, ये जो फिंगर है यहाँ रहेगा, और ये दो इसको दो हम ऐसे उठा के ऐसे ले आते हैं, ये हो गया हमारा डी, ओके फिर ये ए है, फिर यहाँ पे ले आते हैं और इसे हम ऐसे, ये हो गया हमारा बी, ओके ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके तो जैसे मैं बोल रहा था अभी कि जो बॉलीवुड का ये तो हो गया कॉर्ड्स के बारे में, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। अभी आते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में, आप सॉन्ग्स कैसे प्ले कर सकते हैं, जो टैब जो कॉर्ड्स होते हैं वो कैसे वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आप सॉन्ग्स पे अभी मत जाइए, क्योंकि बेसिकली जो कॉर्ड्स होते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स में वो बेसिकली चार या पांच जो यूज़ होते हैं, जो मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ, देखिए ये ए ए सी एफ जी, ओके ए सी एफ जी, ये बेसिकली जो प्रोग्रेशन है, जैसे कि बेसिकली ये चार पांच कॉर्ड्स ऐड होते हैं, और जितने भी पंजाबी गाने होते हैं वो बेसिकली जो डी होता है ये वाला ज़्यादातर यूज़ होता है, ओके तो बॉलीवुड सॉन्ग्स में आप अगर सीखेंगे ए फिर ई, बेसिकली ये ए ई सी एफ जी, ये सब प्ले होते हैं, और डी भी बहुत जगह पे प्ले होता है, ये जो डी है वो पंजाबी सॉन्ग्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो अभी आप अगर आप सीख रहे हैं कॉर्ड्स आपको अभी पता चले तो आप तुरंत ही जो सॉन्ग्स पे स्किप मत करना, आप पहले जो कॉर्ड्स के चेंजेस होते हैं चेंजेस को सीखिए, टाइमिंग सीखिए, ओके ये जो चेंजेस होते हैं ए से सी, सी से एफ, एफ से जी, ओके ये सब चेंजेस आप पहले सीखिए, उसके बाद ही आप एक इजी सॉन्ग चूज कीजिए जहाँ पे आपको एक एक कॉर्ड्स यूज होते हैं, और जो स्ट्रमिंग होता है ऐसे ही जस्ट डाउन स्ट्रोक करते रहिए, एक एक कॉर्ड को चेंज कीजिए, उसके बाद फिर दो कॉर्ड्स को चेंज करना, फिर तीन कॉर्ड्स को चेंज करना, फिर चार कॉर्ड्स को चेंज करना, ओके सो यही था कॉर्ड्स का लेसन और कॉर्ड्स के बारे में ये लेसन था, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा और समझ में आया, कहाँ पे डाउट हुआ आप कमेंट्स में मुझे बोल सकते हैं, ओके मैं आपको आपके जो डाउट्स है वो क्लियर ज़रूर करूँगा, और तो यहाँ पे रैप अप करते हैं, ओके सो यहाँ पे रैप अप करते हैं, और
और कुछ रह गया होगा कॉर्ड्स के बारे में आपको बताना चाहते होगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्लेइंग।